घर से सब चले गए, इतना दुख कहाँ से आ रहा है यार। ओह नो, शी आल्सो वेंट फ्रॉम द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसकाय केम रो छोन, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14, यानी के बिग बॉस सीजन 14। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेलकम टू जैन एकेडमी ऑफ ओवर एक्टिंग। ऐसा कौन रोता है मेरा भाई? अरे किसी की वो भी अटक जाए तो इतना नहीं रोता। क्या ओवर एक्टिंग की है लोगों ने, लिटरली स्पीकिंग। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजा आया, देखो मैं तुम लोग को 2 दिन से बोल रहा हूँ अबाउट आंटी जी एंड आंटी एच। आज निकिता अंबानी ने लिटरली ट्रोल्ड देम टू द लेवल ऑफ इंफिनिटी। निकिता अंबानी, अगर मैं आपसे कहूं कि गौहर खान एंड हिना खान दोनों वहां खड़े थे एंड निकिता अंबानी ने पाई लागू, आशीर्वाद दे दो आंटी, ऐसा किया। ओ गॉड, दिस वॉज क्रेजी गाइज, लिटरली। एंड गाइज, जैसे एवेंजर्स में चुटकी बजती है एंड सारे के सारे एवेंजर्स एक जैसे गायब हो जाते हैं, उसी तरह आज हुआ। खटाखट खटाखट सिद्धार्थ शुक्ला गया, पवित्र पुनिया गई, एजाज खान गया, डेओल गया। देखो गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे डेओल की एविक्शन जो थी काफी अनफेयर लगी। क्योंकि गाइज, जब भी आप वोटिंग लाइन शुरू करते हो, बाय द रूल आपको रूल्स के हिसाब से जो वोट्स आते हैं ऑडियंस के, उसके हिसाब से आपको एविक्शन करना चाहिए, ना कि अंदर के डिसीजन से। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, पारस छाबड़ी के कब का निकल गया होता, माहिरा शर्मा भी निकल गया होती, लेकिन ऑल थैंक्स टू बिग बॉस वो लोग रह गए एंड अनडिजर्विंगली ऑलमोस्ट फाइनलिस्ट बन गए थे। एंड ये आज हुआ, आई थिंक अभी डेवल जो था उसकी जो एविक्शन हुई थी गाइस, वो मुझे टोटली अनफेयर लगी। आई थिंक जान या तो फिर अभिनव, इन दोनों में से किसी को बहुत कम वोट्स मिले थे एंड शायद इसी कारण है कि उनको एविक न करने के वजह से डेवल को निकाल दिया गया। लेकिन गाइस, आज जब वो चारों चले गए, उसके बाद दोनों महारानियां थी। क्या चिल्लाए रहे बाबा तुम लोग, आज पूरा सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ बोल रहे थे, सिद्धार्थ क्या हो रहा है, आंटी लोग क्यों चिल्ला रहे फालतू का। गौहर खान एंड हिना खान, तुम्हारी भी विदाई हो गई, अब जाइए डांस कीजिए, वहां पे क्रीम लीजिए, वो जो करना है करो, बिग बॉस हैज गॉट रिड ऑफ यू एंड आप चले गए। तो गाइस, एक एक करके सारे लोग चले गए। उसके बाद किस तरह से गाइस एक रेड जोन प्रिपेयर किया गया, वहां पर रेड जोन में वापस से एजाज एंड पुनिया आए। उसके बाद इशकजादे जहानों में, इशकजादे कल का जो प्रोमो था गाइस, बीजीएम बजाया, पवित्र पुनिया इधर एंड एजाज खान इधर, दोनों फेस टू फेस एंड एज एक्सपेक्टेड जान कुमार सानू बोलता है पप्पी ले लो, पप्पी ले लो, पप्पी ले लो। बेटा पप्पी लेना तुम्हारा काम है, अरे मतलब सिंपति का एस और वाई का बाप है जान, जहां रो रहा था। अरे आंटियों को क्यों छिटक रहा है भाई आकर, अभिनव को छिटक ले जाके, राहुल वैद्या के बाल सूंघ ले जाके, आंटियों को जाके चिपकना है। आज का एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग था। देयर पीपल वर गोइंग आउट, टास्क हुआ, वो डॉल टास्क हुआ एंड रूबीना पहाड़ी पर भी आएंगे, वो शो में है तो उनके बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी। बराबर, आज का एपिसोड शुरू हुआ कल आर्ग्यूमेंट में, किस तरह से कल आर्ग्यूमेंट जहां पे रुकी थी। अब गाइज, बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं, अरे भाई, अरे यार नीट मारना पड़ा यार तुम लोगों के लिए, दिमाग की माँ बहन कर दी यार तुम लोगों ने, नीट पी कर आया यार। देखिए गौर, गलती आपसे भी हुई है। सिद्धार्थ बोलता हा, देखा देखा बोला ना, गलती हुई, गलती हुई। गौर बोलती रिलैक्स सिद्धार्थ, यू रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। हिना को बोलने नहीं दे रही है, शी वॉज लाइक तुम क्या करने आई हूँ, टाइम पास करने के लिए आई हूँ, तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अब गाइज, गौहर यहाँ पर इतनी हाइपर हो गई थी कि एक इंस्टेंस था कि गौहर हिना गौहर के टीम में थी, सिद्धार्थ अलग टीम में था। अब जैसे हिना बोलना शुरू है, गौहर को चिल्लाती थी, हिना दो बार डर भी गई गाइज यहाँ पर। अब गाइज, सिड कहता है कि पवित्र ने पहले बजर बचाया एंड जान और राहुल ने उसको हटाया। सिड कहता है हमने ज्यादा देर तक बजर बजाया, टास्क ये था कि कौन ज्यादा देर तक बजर दबाता है, समझ में आया। सिड ये भी कहता है अब मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, नो लाफ स्मर्क गिगल, जो करना है करो। कहता है गेम बजर का था एंड हम लोग ने पहले बजर बजाया गौहर का। अब हिना कहती है नहीं अब्बा डब्बा चब्बा, मेरी टीम ने पहले बजर बजाया, तुम लोग की टीम ने बजर नहीं बजाया। अब गाइज, यहाँ पर साफ वर्ड्स में लिखा था, बिग बॉस कहता है कि दो लोग ही अलाउड थे भाई। हिना कहती है सिट की टीम लूज गई, गौर कैन बोलती है सिट की टीम हार गई।
बिग बॉस ने कहा तुम लोग आपसी सहमत से जिसकी ज्यादा बहुमत होगी वो डिसाइड करेगा कि किसकी टीम हारी है। एंड जैसे आपको पता है द खान सिस्टर्स गौहर खान हिना खान ने गैंगडा वगैन सिद्धार्थ एंड उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की टीम हार गई है। लेकिन गाइस यहाँ पे सिद्धार्थ भड़क जाता है, कहता है कि बिग बॉस अगर आपको आपसी सहमति से ये कराना था, जो कि मेरे को भी काफी अनफेयर लगा, टीवी है भाई, थर्ड अंपायर का काम क्या होता है रनआउट के टाइम पर जो टीवी में दिखता है डिसीजन लेने के लिए ना, बिग बॉस तो बिजी था भाई, उसका टाइम उसका ठर्रे का टाइम था, वो चना चकली लेके बैठा था, दारू पी रहा था बैठ के। एंड तब सिद्धार्थ ही भड़क गया कि आपको यहाँ पे क्यों ऐसा किया, जब बहुमत से ही करना था तो अंदर क्यों बुलाया। खान सिस्टर फुल चिल्ला रही है सिद्धार्थ के ऊपर, सिद्धार्थ टेंशन में आ गया, क्यों कर रहे हो भाई, क्या क्या झगड़ा हो रहा है। हाँ कौर बोलती है सिद्धार्थ यू आर आइडियल, यू आर बच्चा ट्रे वाले टास्क में। हिना बोलती है शुक्ला ने निकी को फेवर किया। अब गाइस सिड बोलता जाके पुनिया और निकी रोना शुरू कर दिए थे, उनको पता चल गया था कि आज उन लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। सिड बोलता है डोंट क्राई पुनिया एंड निकी, डोंट क्राई, तुम लोगों ने तुम बहुत अच्छा खेला, फटे खेला, तुमने दो हफ्ते तक इस शो को चलाया है। अब बिग बॉस कहता है अरे भाई सब लोग आके बैठ जाइए, मेरा पीने का टाइम है, बैठिए, सबको एक एक करके निकालता हूँ, सबको बिठा देता हूँ वहां पर। तो असेंबल हो जाते हैं। अब गाइस वो कहते हैं बहुमत के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला हारते हैं गौहर खान, ये द वर्ल्ड विल हियर, ये है सिद्धार्थ ऐसा सटकी थे ना वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन शांत रहा उस टाइम पर। अब गाइस बिग बॉस कहते हैं निकी टंबोली आप कंफर्म्ड है, जरा कम बोली, बैठ जाइए, आप घर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा भाई एजाज कोटी कोटी नमस्कार, चल ये फुट ले यहाँ से, चल चल निकल निकी टंबोली, तुम बैठ जा जाके पवित्र पुनिया निकल, पहले फुर्सत में निकल, शहजाद डेवल तू तो निकल। ये तीनों को निकाल दिया, साथ में सिद्धार्थ शुक्ला को भी चला गया। तो सिद्धार्थ शुक्ला अब यहाँ से नहीं रहेंगे, उन्होंने काफी एंटरटेन किया 17-18 दिन, तो अब वो चले जाते हैं। एंड गाइस सब यहाँ पर स्टन हो जाते हैं, डेवल को तो क्या करना हुई समझ में नहीं आ रहा है। राहुल रोता, अब शुरू होती है यहाँ पर रोतड़ा गैंग क्लास, और वो इतनी ओवर एक्टिंग, बैरी जॉन की एकेडमी में जाता था, तो बैरी जॉन तुम लोग को वहां पे क्या बोलते कांच साफ करने की नौकरी देता था, अनुपम खेर के अकेडमी में आते थे ना तो अनुपम खेर तुमको सर पे बाल उगाने की नौकरी देता था, सुभाष खेर की विस्लिंग मूड में आते थे ना तुम लोग वहां पे बांसुरी बजाने की नौकरी मिलती थी। ऐसी एक्टिंग को राहुल वैद्य, राहुल वैद्य कोई देख नहीं रहे क्या, देखो देखो मेरे को इतना ओवर एक्टिंग, अरे बाप रे, जान कुमार सानू तुम रोते हो तो तुम क्या खंबे को पकड़ के रोते हो, तुमको लड़कियां चाहिए रोते टाइम पर, हाँ ये तुम्हारा अजीब रोनापा है, वो रो रहा है बैठकर और जाके सीधे लड़कियों को पकड़ रहा है। अब जान रोता है, जान बोलता है मारो पुनिया मुझे, मार दो, दो तीन लाफा मार दो मेरे को, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, गले मिल मेरे को। जान बोलते है एजाज भाई मैं आपको मिस करूंगा, सिर्फ बोलता है आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। हाँ जैस्मिन रोती है, एंड जैस्मिन हो गई जब को रोते ना तो पुचकार कैसा करते, बेटा मत रो मत रो मत रो। साइंटिस्ट कपल क्या करते पता है, साइंस साइंस। जैस्मिन आई एम फीलिंग बेटर, डू इट वंस मोर, साइंस। तो लोग वहां पे जैस्मिन को इस तरह से चुप कराते हैं। अब गाइस निकी यहाँ पे एकदम शैटर हो चुकी है, निकी रो रही है, आप लोग जा रहे हो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, निकी काफी जेन्युइनली रो रही थी क्योंकि सिद्धार्थ चला गया था। अब कोई रोते तो कैसे करते, बेटा गौहर वो क्या कुत्ता है, निकी टंबोली क्या रे, उसको ऐसा कर रहे खड़े रहके वो चली जाती है। अब गाइस जैसे सब चले जाते हैं जान जाके निकी को फुल लिपट जाता है, आओ ना निकी छोड़ जान, आओ ना ऐसा पकड़ा के छोड़ ही ना रहा, इतना आदत के पेट दुख गया। लेकिन गाइस अब गौहर और हिना वापस से वो जो सीन है उसको अंदर रिक्रिएट करती है। निकी कहती है साला निशान देने एक नंबर का पलटी मारे साला, अभी सीधा चलेगा उसके मुंह पे बोल के दिखा ना। बिग बॉस बोलता अरे भाई ओ मैडम हिना खान और गौहर खान, अरे टाइम पास चल रहा है क्या, चलो तुम भी निकलो यहाँ से, पहले फुर्सत में निकलो, अरे भागो यहाँ से। तो गौहर खान और हिना खान को भगा देते हैं घर से, एंड दोनों का भी खात्मा हो जाता है। एंड जैसे वो जाते हैं ऐसा लगता है वैद्य का पिछवाड़ा छील गया, वैद्य वैद्य बैठा था ऐसा ऐसा कर रहा था, अरे मारो हमको। वैद्य इतना नाटक किया रहा आज, कसम से फ्लॉप हीरो लग रहा था, 50 रुपए कट इसकी ओवर एक्टिंग का। जान बोल रहे नो 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 डोंट गो, सब रो रहे थे गाइस यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा क्लासिक ये बिग बॉस की हिस्ट्री में रहेगा, गौहर खान हिना खान तुम लोग 2 दिन तक रास्ते पे निकल नहीं पाओगे, निक्की टंबोली ने आशीर्वाद ले लिया तुम्हारा। अरे क्या, अरे
निकी टंबोली क्या एडी गौहर खान का आशीर्वाद ले ली जाकर उमर उन लोग की ऑलमोस्ट क्या बोलो कॉमेडी कल बोलते हैं जो कि वो अरे तुम लोग ये अभिनव इन लोग को शरीफ नहीं है ये रूबीन और उसका पति फुल एक्टिंग निकाल रहा अभिनव बोलता यू सॉ दैट निक्की शी शुड टुक आशीर्वाद फ्रॉम गौहर सो फनी हाँ तुम दूसरों की मजाक उड़ाओ तो फनी तुमको सामान बोल दिया तो पूरा तुम लोग ने सर पे चढ़ा के उठा लिया है सैटरडे रुको रे मेरा भाई सलमान खान को आने तो दो। अब गाइस ये हो जाता है एंड यहाँ पर जितने भी है अब सब चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी ओवर एक्टिंग तो अभी आने वाली है भाई रुक जाओ अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हिना यू आर अ क्वीन ऑफ पंपिंग पावर हिना या आई हैव नेवर सीन अ स्ट्रॉन्ग वुमन लाइक यू या 50 रुपए देना बाद में हिना रूबीना डेली क्या एक्टिंग अरे मतलब हिना खान को तो मतलब ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ज्यादा टाइम उसको इतना नाटक किया अब सब चले गए अब तो घर में कौन बचा जान निक्की अभिनव निशांत रूबीना राहुल और जैस्मिन 7 लोग बचे सब चले गए राहुल बोलते क्या खराब दिन था जान बोलता हाँ यार खराब दिन था जैस्मिन बोलती निक्की गाली मत देना निक्की बोलती हाँ सॉरी साइन बचा और एंटर करते हैं यहाँ पर एजाज एंड पवित्र रूबीना बोलती इसके बाल घने नहीं है ये लोग नहीं होएंगे फिर एजाज खान उठता है दुनिया में लोगों ने डॉन बन जाता है फिर पागलपना करता है अब गाइस 2 पार्ट्स हो चुके हैं घर के एक तो रेड पार्ट और एक ग्रीन जोन जैसे हफ्ता खत्म होगा जो लोग रेड जोन में रहेंगे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे लेकिन रेड जोन वालों को ग्रीन जोन में आने का एक मौका दिया जाएगा पूनिया कहती है पूनिया इज टू फ्रैंक मैन शी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वुमन आई हैव एवर सीन आई नॉट मेट हर Honestly speaking, she is practical to the P to the T. Everything practical. पुनिया बोलती है रोने का जरूरत है काहे नाटक कर रहा बे मत करो नाटक समझ में ना पुनिया बोलती है जरा भी फील नहीं है तुम लोग के रोने में अब निक्की फुल राहुल से झगड़ रही है निशांत बोलता है निक्की ज्यादा शाणी बन रही है क्या सलमान सर ने इतना भी नहीं बोल दिया तेरे बारे में कि तू अच्छा करे तो उछल रही है समझ में आ गया तेरे को हाँ राहुल बोलता है अहंकार मत दिखा अहंकार चिंता मत कर तेरा देख तू निक्की बोलती है दम में तो मुंह पे बोल के दिखा क्या अब गाइस जैस्मिन साइंटिस्ट कपल ये यहाँ बैठकर एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं क्या हम लोग को ये लोग टारगेट करने वाले हैं निक्की कहती है जैस्मिन बोलती है निक्की इज नॉट डम हाँ यू नो जैस्मिन बीच में इतना अच्छा खेल रही थी पता नहीं वो साइंटिस्ट कपल लगा क्या कर रही जाकर वेलफेयर जब निशान कहता है कि पुनिया एंड चाचा अब जो वापस घर में आ गए पक्का कांड करने वाले हैं एंड जान कहता है वी ऑल आर कंफर्म समझ में आ गया अब हम सब कंफर्म हो चुके हैं कल मैं एक पॉइंट भूल गया था बेटा जान कुमार सानू तुम उस दिन टास्क जीत गए इसका मतलब ये नहीं तुम राहुल वैद्य को सिंगिंग सिखाओगे जाके भाई वो तुमसे बहुत महान सिंगर है तुम जब स्कूल में रबर ढूंढ रहे थे ना तब वो इंडियन आइडल में आया था कल मैंने नोटिस नहीं किया मेरे से मिस हो गया सुबह मेरे बहुत सारे मेरे को ट्वीट आए कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बोला तो ओके मिस्टर जान कुमार सानू राहुल वैद्य अभी भी सिंगिंग में तुमसे बहुत उच्च कोटि का सिंगर है ठीक है अब गए यहाँ पे निकी कहती है मैं काम नहीं करेगी मैं अभी भी आज काम नहीं करी कल काम करेगी समझ में आ गया जान बोलते तू मना नहीं कर सकती काम तो करना पड़ेगा अब अभिनव या फुल टाइम पास करने के लिए वो इधर घूमता रहता है इधर उधर अब गाइस भजिया पाव गैंग जो है वो कहती है हमको यहाँ पे यूनाइट होना पड़ेगा अब पहाड़ी साइंटिस्ट जो है वो हंसते है बैठ करके यू नो किस तरह से निक्की ने पैर छुआ गौर का फुल इसको यू नो एक्टिंग उसकी निकालते इमिटेट करते है अब गाइस पुनिया जो है वो कहती है अच्छा साथ में बैठे सब लोग टट्टी भी साथ में धोएंगे पुनिया बोलती है राहुल भाई भाई का रो रहा था कौन मर गया था रे सला कहा रो रहा था राहुल वैद्य साला बिन पैंदे का लोटा राहुल वैद्य टट्टी साफ करेगा बैठ के पागलपना हो गई थी गाना बजाओ बीड़ी जलैले फुल डबल डांस कर रहे उठ के फुल कॉमेडी हो गया अब गाइस राहुल बोलता है चाचा अलग ही बचते हैं एजाज खान फुल पिस्ट ऑफ है अब पुनिया भी फुल पिस्ट ऑफ है अब कोई फ्रेशर कोई सीनियर नहीं है बिग बॉस बोलता है अरे भाई उतरी नहीं रात की तुम सालो कैप्टन जो बनना है बनो अपनी माँ बहन कर लो तुम लोग जो करना है कर लो अब भाई टास्क क्या है कि एक रूम रहेगा उस रूम के अंदर कुछ गुड़िया रखी रहेगी आग जलेगी आपको अंदर जाना है एंड गुड़िया बाहर लेके निकलना है जो लास्ट में रह जाएगा आउट हो जाएगा अब गाइस सब लोग गैंग अप करते हैं राहुल और निक्की को रिमूव करके
लेकिन टास्क शुरू होने से पहले अंदर जाके गुड़िया नहीं देख सकते कि उसपे किसकी फोटो है, लेकिन जैस्मिन और यहाँ पर अभिनव इन दोनों जाके टाइम पास करके आते हैं। संचालक इस टास्क के होंगे एजाज खान एंड पुनिया, लेकिन गाइस यहाँ पर रूबीना कहती है संचालक विल फेवर निक्की एंड राहुल, सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लॉ ऑफ अभिनव वी हैव टू रिमूव निक्की स्क्वायर प्लस राहुल पाई टीटा, अंडरस्टूड बेटा? यास्मिन, यस टीचर अंडरस्टूड, हम साइंस के साथ है। तो इन लोग यहाँ पर लोगों को निकालना चाहते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर भजिया पाव गैंग में दरार आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एजाज खान चढ़ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ तुम लोग को यहाँ गुड्डे घर में नहीं जाना था, समझ में आया? एजाज फुल साइको मोड में आ जाता है, फुल ज्यादा चलता है टी शर्ट उर्ट पहन के एकदम। अब रूबीना यहाँ पे इन लोग को समझ जाती है, रूबीना बोलती है देखो भजिया पाव गैंग जो है ना, भजिया पाव गैंग का प्लानिंग क्या है, जान बोलता है कैप्टन को भी बने, निक्की बने, राहुल बने, निशान बने, मैं बनूं, सिद्धार्थ जैसे लास्ट सीजन में करता था वो नहीं बनता था, लेकिन उनके दोस्तों में से किसी को कैप्टन बनाता था। ये साइंटिस्ट लोगों ने इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पकड़ लिया। अब गाइस यहाँ पे यू नो कहते हैं संचालक अंदर नहीं जा सकता, इजाज खान अंदर चले जाता है घर के ये देखने के लिए घर से पहले बाहर कौन निकलेगा, एंड पवित्र पुनिया बाहर खड़ी रहती है। अब गाइस यहाँ पर भोंगा बजता है, पुनिया बोलती है अभिनव लास्ट आया, एजाज बोलता है नहीं रूबीना लास्ट आई, बोलती एजाज नहीं पुनिया, एजाज पुनिया, फुल पता नहीं अंदर दोनों के अंदर क्या आग भड़ास थी, दोनों फुल झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। पुनिया बोलती अभिनव बाहर आया था, हाँ एजाज बोलता नहीं रूबीना बाहर आई थी, एजाज बोलते ओलंपिक में कैसा है कैसे चलता है तेरे को, पुनिया बोलती है टेक्निकल शब्द मत बोल मेरे को, मुझे ओलंपिक्स ओलंपिक्स कुछ समझता नहीं, समझ में आया तेरे को? अब गाइस कौन ज्यादा फेयर है, ये फाइट यहाँ पुनिया खेल रही है, पुनिया बोलती फेयरनेस, एजाज पकेट फुल गुस्से में आती है गाइस यहाँ पर, एंड फेस टू फेस दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस में आती है। पुनिया एजाज का बोलते गाली मत दीजिए आप, पुनिया बोलती मैं तो गाली हूँ मैं तो गाली हूँ, हाँ जान बोलते पप्पी दे लो, उसको ठरकी को एक ही काम आता है पप्पी देने के लिए। हाँ राहुल कहता है देख रे ये पुनिया है ना, इसको अभिनव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उस दिन देख अपने को सबको 2 मार्क्स दिया, 4 मार्क्स दिया, उसको 6 मार्क्स दिया था, इसलिए पुनिया अभिनव को जिताना चाहती है। पुनिया बोलती है एजाज इज्जत मेरे, समझ में आया? एजाज बोलते हाँ यही इज्जत, तूने उस दिन मेरे को वोट आउट किया, रात को आके प्यार का नाटक कर रही थी, चिटक रही थी मेरे को। पुनिया बोलती ए इज्जत थी वो, प्यार था, समझ में आ गया? दोनों अग्री नहीं करते हैं, एंड पुनिया बोलती लेट्स ड्रॉ इट, तुम अभिनव तुम रूबीना बोलो मैं अभिनव बोलूंगी। एजाज बोलता नहीं इसका मतलब तेरे को तेरे डिसीजन पे डाउट है। दोनों वापस फेस टू फेस आते हैं, राहुल यहाँ पे कहता है कि नहीं अभिनव पुनिया क्रश है, उसको नहीं छोड़ेगा, एंड वैद्या यहाँ पे कहता है ए अभिनव साला कैसी शक्ल है इसकी, ये सुना देंगे ना इन लोग को पहाड़ी कपल को, तुम पागल होकर नाचने लग जाएंगे। अभिनव राहुल वैद्या क्या बोल रहे हैं पता है, अरे ये अभिनव की शक्ल देख कैसा दिखता है, वो कैसा पवित्र का टाइप हो सकता है। हाँ फिर गाइस आज का दिन समाप्त होता है, कल इशक जादे गाने बजते हैं, पुनिया एजाज फिर से भिड़ेंगे, एंड भजिया पाव गैंग में कल एक बड़ी दरार आएगी। तो लेट्स सी गाइस कौन बनता है इस घर का पहला कैप्टन, तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ शुक्ला द लास्ट ऑफ यू टुडे, गौहर खान हिना खान नमस्ते, और शहजाद देवल सॉरी मैन यू डिजर्व टू बी इन द हाउस, अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ट हिज एविक्शन वाज अनफेयर। ओके गाइस, तो कल मिलेंगे एक और एपिसोड में, तब तक क्या करना है, एपिसोड पसंद है चैनल को लाइक कीजिए, अगर एपिसोड देखने का सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो मेरा भाई, सब्सक्राइब भी करो, एज ऑलवेज से स्टे कूल, टिल देन डू व्हाट यू डू मैन, डोंट एविक्ट ऑनेस्ट कंटेस्टेंट लाइक देओल।